दिल्ली एनसीआर में इन दिनों ठंड से लोग ठिठुरने लगे हैं। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से न्यूनतम पारा लगातार गिर रहा था, जिसकी वजह से शीतलहर जैसी स्थिति थी। हालांकि आज से मौसम में परिवर्तन हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आज से पारा बढ़ेगा और आने वाले दिनों में इसका असर भी दिखाई देगा। हालांकि इसके बावजूद ठंड से बहुत ज्यादा राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार से पश्चिमी विक्षोभ और उत्तर पश्चिमी हवाओं की गति धीमी होने से न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होना शुरू होगी। मौसम विभाग के अनुसार इस हफ्ते के अंत तक यानी 26 दिसंबर तक अधिकतम तापमान 22 और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। वहीं 23 दिसंबर से घना कोहरा पड़ने का भी अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री कम 4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा 22.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। बीते 24 घंटों में हवा में नमी का स्तर 58 से 94% रिकॉर्ड हुआ है। वहीं आज यानी बुधवार को अधिकतम तापमान 23 और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सुबह के समय कोहरा छाया रहेगा, दिन भर धूप खिलेगी, लेकिन सर्दी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। वहीं नोएडा में आज अधिकतम तापमान 22.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13.7 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। यहां धूप निकलने की भी संभावना है। जबकि गुरुग्राम की बात की जाए तो गुरुग्राम में आज अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रह सकता है और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस। यह आंशिक रूप से बादल के छाए रहने का अनुमान है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में वायु प्रदूषण का हाल एक बार फिर बेहाल हो गया है। सफर के अनुसार दिल्ली का AQI आज 402 दर्ज किया गया है, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। वहीं नोएडा का वायु गुणवत्ता सूचकांक भी खराब है और 332 रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा गुरुग्राम में वायु गुणवत्ता सूचकांक 318 और बहुत खराब श्रेणी में है। इससे पहले दिल्ली में 2 दिसंबर को वायु गुणवत्ता सूचकांक 429 के अंक पर यानी गंभीर श्रेणी में रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।